हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द फिनिश लाइन प्रोजेक्ट। जैसे कि आपने पिछले दो वीडियोस में देखा था, मैंने आपसे रिटेंशन की और डेंचर क्लीनिंग की बात करी थी। ऑल राइट, इस बार एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि हमारा जो डेंचर है उसको बनाने का एग्जैक्ट प्रोसेस क्या है, हमारा डेंचर कैसे बनता है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो पेशेंट्स में खासकर उठता है, और कई बार कहते हैं नहीं सर, हमने कहीं से पूछा था 2 बारी में बन जाता है, कहीं से हमने पूछा था 3 बारी में बन जाता है, कहीं से हमने पूछा तो 6 बारी में बनता है। तो इतने कन्फ्लिक्टिंग व्यूज लोग लेकर आते हैं कि उसमें एग्जैक्टली आदमी डिसाइड नहीं कर पाता कि इवन एज अ क्लिनिशियन इट बिकम्स चैलेंजिंग टू कन्विंस द पेशेंट व्हिच इज द राइट वे टू गेट द डेंचर्स डन। नाउ फॉर समवन हु इज फ्रॉम द फील्ड ऑफ प्रोस्टेरोन्टिक्स, दीज आइडियाज आर प्रीटी क्लियर। जो प्रोस्टेरोन्टिक्स की फील्ड से है, जो कि डेंचर का स्पेशलिस्ट है, उसके दिमाग में तो ये विचार बिल्कुल स्पष्ट रहते हैं। परंतु जो नहीं है स्पेशलिस्ट प्रोस्टेरोन्टिक्स की फील्ड का, या तो वो कंसल्टेशन में किसी प्रोस्टेरोन्टिस्ट को बुला लेते हैं, अदरवाइज यदि उनका क्लिनिक ऐसे रिमोट एरिया में है जहाँ पे कि कोई प्रोस्टेरोन्टिस्ट बुलाने की फैसिलिटी उपलब्ध नहीं है, वहाँ पर थोड़ी डिफिकल्टी आ सकती है। आज मैं आपके लिए सिंप्लीफाई करने वाला हूँ कि एक बहुत बेहतरीन डेंचर कितने स्टेप्स में बनता है और एग्जैक्ट हर स्टेप का क्या प्रोसीजर होने वाला है। आप मेरे पीछे ये प्रेजेंटेशन देख सकते हैं, आप देख सकते हैं स्लाइड शो चल रहा है, तो इसी के द्वारा, इसी के माध्यम से मैं आपको पूरे का पूरा समझाने वाला हूँ। ऑलराइट, सो द फर्स्ट स्टेप इन मेकिंग अ कंप्लीट डेंचर इज द प्राइमरी इंप्रेशन। प्राइमरी इंप्रेशन लिया जाता है इंप्रेशन कंपाउंड में। ऑलराइट, इंप्रेशन कंपाउंड के अंदर प्राइमरी इंप्रेशन लेने के बाद प्राइमरी कास्ट पोर करी जाती है। प्राइमरी कास्ट पोर करने के बाद उसके ऊपर एक स्पेशल ट्रे बनाई जाती है जो कि उस पेशेंट के आकार को मैच करती हो। तो सबसे पहले लिया प्राइमरी इंप्रेशन, फिर बनाई एक ट्रे जो कि उस पेशेंट के आकार को मैच कर। यहाँ पे आप स्पेशल ट्रे से लिया हुआ इंप्रेशन देख सकते हैं। इस इंप्रेशन को हम कहते हैं फाइनल इंप्रेशन या सेकेंडरी इंप्रेशन या पक्का नाप। ये आपके डेंचर का पक्का नाप होता है, आप इसको देख सकते हैं। ये मैंने इस केस में पॉली इथर मटेरियल में लिया हुआ है, बल्कि आइडियली जिंक ऑक्साइड यूजनॉल बहुत ही बढ़िया मटेरियल है पक्का नाप लेने के लिए, यदि आप एक अच्छे डेंचर की बात करें तो। नेक्स्ट स्टेप आता है जॉ रिलेशंस का। जॉ रिलेशन में क्या कहते हैं, दो मोम की या वैक्स की प्लेट्स, वैक्स को प्लेट्स के ऊपर लगाया जाता है और ये देखा जाता है कि आपका मुंह खुलता बंद कैसे होता है, आपका मुंह राइट लेफ्ट कैसे होता है, आपके मुंह की सारी मूवमेंट्स उन प्लेट्स के द्वारा रिकॉर्ड कर ली जाती है। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, मैंने सारी की सारी मूवमेंट्स इसमें रिकॉर्ड कर ली है और उसको सील कर दिया है। इसके सील करने के बाद हम आपको बुलाते हैं ट्रायल डेंचर के प्रोसीजर के लिए। ट्रायल डेंचर का अर्थ क्या है, वैक्स में बना हुआ डेंचर। आखिर हम आपको वैक्स में बना हुआ डेंचर क्यों दिखाना चाहते हैं, इससे क्या हमें फायदा होगा? इससे हमें ही नहीं, आपको भी बहुत फायदा है। आपको ये फायदा है कि आप इस डेंचर में देख सकते हैं कि दांत किस प्रकार इसमें अरेंज हो गए हैं और आपको एक आइडिया मिल सकता है कि मेरा फ्यूचर डेंचर कैसा होने वाला है। ऑलराइट, सो दैट इज वन थिंग। एंड आफ्टर दैट द डेंचर इज सेंट टू द लैब, लैब पे डेंचर भेजा जाता है, वो एक्रिलिक मटेरियल में उसको प्रोसेस करके इस प्रकार का आपका फाइनल डेंचर पेशेंट के मुंह में आप जैसे देख सकते हैं आ जाता है, और इसको कहते हैं हम फाइनल डेंचर। तो ये 5 स्टेप्स हैं डेंचर प्रोसेसिंग के, और इसी प्रकार से मैं हर स्टेप पे एक डिटेल्ड वीडियो बनाने वाला हूँ जो कि दोनों पेशेंट और क्लिनिशियन के लिए बेनिफिशियल होने वाला है। बड़ा सवाल अब ये आता है कि यदि डेंचर 5 स्टेप्स में बनता है कितनी बार आना जाना पड़ेगा। ये काफी पेशेंट्स को प्रॉब्लम भी आती है ना, आफ्टर ऑल आप काफी दूर रह रहे हैं, 5 बार कैसे आएंगे जाएंगे। इसके लिए कई दूसरे प्रोसीजर्स भी हैं डेंचर बनाने के, कई शॉर्टर स्टेप प्रोसीजर्स भी हैं, उनको भी मैं इन फ्यूचर कमिंग वीडियोज आपको शॉर्टली एक्सप्लेन करता रहूंगा। आज के लिए इजाजत देता हूँ, थैंक यू एंड कीप विजिटिंग द फिनिश लाइन स्कूल, स्टे ट्यून्ड फॉर द बेस्ट कंटेंट इन।